गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड क्वेश्चंस ऑन एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, एस्टिमेशन और राउंड ऑफ। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चंस ऑफ रिव्यू एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 18। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन जो है उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो पहले तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर है क्या। क्वेश्चन नंबर वन, सिंप्लीफाई, हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और कौन सा नंबर है कि हमको, जिसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 42 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट -7 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट -48 डिवाइडेड बाई 16 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को हम स्प्लिट करेंगे और इस ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे, और बीच में क्या है, डिवीजन का साइन है। तो क्या करेंगे, 42, अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, डिवीजन का साइन है। अब हम बताए थे जब अपोजिट साइन के इंटीजर्स होते हैं तो जो उनका डिवीजन होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ये 42, हाँ 42 डिवाइडेड बाई -7 ये निगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसका जो कोसेंट आएगा, कोसेंट का साइन क्या होगा, निगेटिव 7, और -7 को 42 को -7 से डिवाइड करेंगे 6 ये आंसर हो जाएगा। डिवाइडेड बाई नेक्स्ट, अब -48 को 16 से डिवाइड करेंगे, ये निगेटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर, तो जो आएगा वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा, -3 ये हो गया, इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाई -3। अब ध्यान देंगे यहाँ पे भी क्या है, डिवीजन है, लेकिन इंटीजर दोनों, जो इंटीजर हैं डिवीजर और डिविडेंड दोनों के साइन क्या है, निगेटिव है, तो जो कोसेंट आएगा वो भी क्या, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट व्हिच इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, स्टेट विच इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है कि 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड 6 माइनस 8 इन ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाई बाई 10, ये क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है कि विच इज़ ग्रेटर, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच इज़ ग्रेटर, मतलब इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो ग्रेटर कौन होगा, इसको पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई जब करेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि इसमें से, इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर कौन है। तो एक बार इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देन 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 6 माइनस 8। अब ध्यान देंगे आप, ये निगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। ये ग्रेटर नंबर है तो 8 माइनस 6 करेंगे 2 आएगा, साइन इसी का लिया जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू कितना आया, 10 2 जा 20 -20, इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आया, -20। इसका जब निकालेंगे एंड 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, 6 माइनस 10 8 जा 80। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 80, और ये 6 है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 80 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 74 -74। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, इसका जो सिंप्लीफिकेशन आया है वो -20 आया है, इसका सिंप्लीफिकेशन जो आया वो -74 आया है। अब ग्रेटर कौन सा होगा इसमें, एक चीज़ ध्यान देंगे, निगेटिव नंबर्स में जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू
स्मॉलर होती है वह नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है, क्योंकि नंबर लाइन पे इन्हीं को अगर हम रिप्रेजेंट करें, ये जीरो है, जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर्स आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे कहीं अगर 20 आ रहा है तो 74 कहाँ पे आएगा, इस साइड में आएगा, यहाँ पे, मतलब जो राइट साइड में नंबर्स होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होते हैं, तो क्या होगा, ये ग्रेटर होगा, माइनस 20 इससे ग्रेटर होगा, तो जब ये माइनस 20 ग्रेटर होगा इसका मतलब ये नंबर भी क्या होगा, इससे ग्रेटर होगा। लास्ट में लिख देंगे, सिंस माइनस 20 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन माइनस 74, देयर फोर 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 10 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 6 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 10। बस यही हमको बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो क्या करेंगे, एक बार इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इन दोनों में हम बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर होगा, ये ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर। जब ये ग्रेटर होगा तो ये नंबर भी क्या होगा, पूरा ग्रेटर होगा इससे। तो बाकी के जो पार्ट इसमें बच रहे हैं वे सारे पार्ट आप लोगों को करने हैं, होमवर्क में दिया जाएगा, वो सारे पार्ट क्या होंगे, होमवर्क होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के दो पार्ट और बच रहे हैं, इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट हो गया, दो पार्ट बच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि हमको वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन 3 का फर्स्ट, 3 का फर्स्ट क्या है, 23,967 मल्टीप्लाई बाई 99 प्लस 23,967। ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है हमको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका क्या करना है हमको, वैल्यू फाइंड करना। इसमें भी टोटल कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, टोटल 3 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट को ही केवल हम सॉल्व करेंगे और बाकी के पार्ट आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो इसको सिंप्लीफाई, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो मेथड है, अगर जैसे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा लंबा होगा, अगर माइंड लगाएंगे थोड़ा, यहाँ देखेंगे इसको राइट कर सकते हैं हम क्या, 23,967 मल्टीप्लाई बाय 99 को राइट कर सकते हैं 100 माइनस 1 प्लस 23,967 इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 23,967 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 times 0, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 में, ये प्लस इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 23,967 प्लस 23,967। अब एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पे इतना ही पॉजिटिव इंटीजर है, यही निगेटिव इंटीजर है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा कितना 23,967। मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, देखिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक 23,96,700, ये आंसर आप लोगों का क्या आ जाएगा, 23,96,700, ये हो गया इसकी वैल्यू टोटल। अगर वैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 23,967 को 99 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है उसमें फिर इतना ऐड करते हैं, तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, उसको कैलकुलेशन भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता, उसके बाद फिर उसको ऐड करते हैं। ऐसे इसको अगर स्प्लिट करें हम, तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं 100 माइनस 1, अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, बचेगा ये केवल क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीजर्स के पेयर राइट करने हैं,
इंटीजर्स के पेयर राइट करने हैं। अब फर्स्ट इसमें देखो, सम इज माइनस फाइव, ऐसे पेयर राइट करने हैं जिनका सम क्या हो, माइनस फाइव हो। ऐसे पेयर राइट करने हैं जिनका सम क्या हो, माइनस फाइव हो। तो माइनस फाइव के लिए क्या कर सकते हैं हम, एक 23 राइट कर दें एंड 18 राइट कर दे रहे हैं। अब सम इज सम ऑफ दीज इंटीजर्स इक्वल टू माइनस 23 प्लस 18 इक्वल टू माइनस फाइव आ गया। तो एक तो ये इंटीजर हो गए, ऐसे इंटीजर्स को हमको राइट करना है जिनका सम क्या हो, माइनस फाइव है। तो ये एक इंटीजर हो गया। ऐसे ही कह रहा है कि डिफरेंस इज माइनस नाइन, डिफरेंस क्या हो, माइनस नाइन हो। ऐसे ही हम इंटीजर्स राइट कर देंगे, ऐसे इंटीजर्स राइट करेंगे जिनका डिफरेंस क्या हो, माइनस नाइन हो। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, फोर का ये सेकेंड अगर हम करें तो मान लो अगर एक हम 17 ले लेते हैं, एक 17 अगर हम लेते हैं ओके, और हमको 9 लाना है एंड 1 हो जाएगा क्या, माइनस 17 अगर हम एक लेते हैं और एक ले लेते हैं माइनस एट, सम ऑफ दीज इंटीजर्स इक्वल टू ऐड करेंगे माइनस 17 प्लस माइनस 8। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये चीज़ क्या होगा, ऐड कर रहा है ना तो ये पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, तो क्या होगा दोनों ऐड हो जाएंगे और हमको लाना है माइनस 9। तो क्या हो जाएगा माइनस 17 प्लस 8, तो माइनस 17 और प्लस 8 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचा, माइनस 9 ओके। इसमें कह रहा है सेकंड में क्या था कि जिनका सम, ऐसे इंटीजर्स हमको राइट करने थे जिनका सम क्या हो, माइनस 9 हो। तो एक माइनस 17 ले लेते हैं और एक 8 ले लेते हैं। नेक्स्ट सम इज जीरो, एक 17 प्लस 17 माइनस 17, तो सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4500। एक प्लेन है जो उड़ रही है, कितने हाइट पे उड़ रही है, वो प्लेन जो उड़ रही है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। हमको इंटीजर्स केवल राइट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, तो सॉल्यूशन फाइव। तो क्वेश्चन 5 क्या है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4500 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से वो कितनी हाइट पे उड़ रही है, 4500 मीटर मींस 4 किलोमीटर 500 मीटर। एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव है सबमरीन फ्लोटिंग 1100 मीटर बिलो सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक कोई प्लेन है और वो प्लेन सी लेवल से ऊपर, कितने ऊपर, कितनी हाइट पे, 4500 मीटर हाइट पे उड़ रही है, और उसके बाद कह रहा है कि एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इट इज एग्जैक्टली अबव है सबमरीन फ्लोटिंग 1100 मीटर बिलो सी लेवल। सी लेवल, अब अगर हम ध्यान दें कि ये क्या है, सी लेवल ये जो है, ये सी लेवल है। अब क्या कह रहा है कि सी लेवल से एबव, ये जो सी लेवल से एबव 4500 मीटर पे क्या है, सी लेवल से 4500 मीटर पे क्या है, एक प्लेन है, ये प्लेन है। अब उसके बाद सी लेवल से एग्जैक्टली अबव है सबमरीन फ्लोटिंग
एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली एबव ए सबमरीन। अब एग्जैक्टली कोई इसी मान लो कि प्लेन यहाँ पे है, तो ये प्लेन कहाँ पे है? एग्जैक्टली एबव, एक सबमरीन है जो सी लेवल से नीचे कितनी, बिलो 1100। अब यहाँ पे मान लो सबमरीन है, इसकी ये नीचे डेप्थ कितनी है सी लेवल से, 1100 मीटर। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, सबमरीन, सबमरीन ये चीज़ है सी लेवल, सी लेवल से ऊपर ये प्लेन है 4500 मीटर, और सी लेवल से नीचे ये सबमरीन है वो कितने नीचे है, 1100 मीटर। तो हमको बताना व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड प्लेन कितना हो जाएगा, 4500 मीटर प्लस 1100 मीटर इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेंगे वही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच का। लिखेंगे हाइट ऑफ, हाइट ऑफ प्लेन एबव सी लेवल इक्वल टू 4500 मीटर, हाइट ऑफ प्लेन एबव सी लेवल इक्वल टू 4500 मीटर एंड डेप्थ ऑफ सबमरीन बिलो बिलो सी लेवल, बिलो सी लेवल डेप्थ कितनी है सबमरीन की, सी लेवल से नीचे कितनी है गहराई उसकी, वो जहाँ पे सबमरीन, वो सबमरीन फ्लोटिंग कर रही है कितने डेप्थ पे, 1100 मीटर, 1100 मीटर। देयरफोर वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लेंगे ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, 4500 मीटर प्लस 1100 मीटर, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.6415 5600 मीटर। अब इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 5 किलोमीटर 600 मीटर। तो वर्टिकल डिस्टेंस प्लेन और सबमरीन के बीच में क्या होगा, 5 किलोमीटर 600 मीटर। ओके, ये हो गया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 15 एंड सब्ट्रैक्ट 15 फ्रॉम -8, आर द टू रिजल्ट सेम। इसमें कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है आप लोगों का, वो सब्ट्रैक्ट करना -8 को 15 से और 15 को -8 से, और फिर ये बताना है कि क्या ये दोनों आंसर सेम हैं, आंसर को बताना है क्या ये दोनों सेम है। तो सॉल्यूशन 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सब्ट्रैक्ट ही करना है, तो इसको जो है सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद चेक करना है क्या ये दोनों नंबर सेम है, बताना है कि सेम है या नहीं है। तो सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम 15, तो एक बार -8 को 15 से सब्ट्रैक्ट करना है, एंड फिर दूसरी बार क्या है, -8 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या ये दोनों रिजल्ट सेम है, तो बाद में हम बता देंगे जो सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो सेम, और सेम नहीं आएगा तो नो। तो इसको करेंगे, आप लोगों का होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट करना है। अब इवैल्यूएट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7, सेवन का फर्स्ट क्या है, -15 प्लस
इन ब्रैकेट माइनस 23 माइनस इन ब्रैकेट माइनस 24 प्लस माइनस 17 प्लस माइनस 17 इक्वल टू माइनस 15 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस 23 माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस माइनस 17 जो सेम साइन के इंटीजर्स हैं उनको एक साथ ऐड कर लेंगे और नेगेटिव 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 ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी ये सभी नंबर्स को एक साथ हम ऐड करेंगे माइनस 23 माइनस 15 माइनस 17 तो दोनों तीनों के सेम साइन हैं तो इंटीजर्स ऐड हो जाएंगे 7 3 10 5 15 वन कैरी 2 1 3 3 1 4 4 1 5 माइनस 55 प्लस 24 5 माइनस 4 1 5 माइनस 4 1 5 माइनस 2 3 टू 5 आंसर इज माइनस 31 ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट 7th का सेकंड पार्ट जो है इसको होमवर्क है आप लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर 5 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। 5 नेगेटिव इंटीजर्स हैं और 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो जो प्रोडक्ट होगा इनका 5 नेगेटिव इंटीजर्स और 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या होगा आप ध्यान देंगे। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे उनका अगर हम केवल पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो पॉजिटिव ही आएगा और 5 नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो उनका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे नेगेटिव इंटीजर्स का तब वो भी क्या आएगा वो निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा एक चीज़ ध्यान देंगे जब इवेंट टाइम्स रहेंगे निगेटिव इंटीजर्स इवेंट टाइम्स फॉर एग्जांपल माइनस 2 को 4 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम्स मीन्स इवेंट टाइम्स 1 2 3 4 4 टाइम्स मीन्स इवेंट टाइम्स जब हम निगेटिव इंटीजर्स को इवेंट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 ये प्लस 16 आएगा। और निगेटिव इंटीजर्स को जब हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 3 टाइम्स 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो ये क्या आएगा निगेटिव आएगा एक चीज़ ये ध्यान देंगे। तो ऐसे ही है यहाँ पे चेक करेंगे हमेशा ये दिमाग में बैठा लेंगे कि जब निगेटिव इंटीजर्स का इवेंट टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा निगेटिव इंटीजर्स का जब ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो इसी बेस पे हम ये सारा आंसर देंगे। व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर 5 निगेटिव इंटीजर्स एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। 5 निगेटिव इंटीजर्स हैं तो क्या आएगा 5 निगेटिव इंटीजर्स का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो निगेटिव ही आएगा उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हैं पॉजिटिव हैं तो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा उनका प्रोडक्ट। अब पॉजिटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा निगेटिव आएगा तो ये आ जाएगा इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा 19 निगेटिव इंटीजर्स एंड 19 पॉजिटिव इंटीजर्स तो 19 क्या है ऑड है तो ये भी क्या हो जाएगा 19 निगेटिव इंटीजर्स। जब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये निगेटिव ही आएगा मल्टीप्लाई बाय 19 पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा तो इसका भी क्या होगा निगेटिव आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। थर्ड 12 निगेटिव इंटीजर्स एंड 9 निगेटिव इंटीजर्स 12 निगेटिव हैं तो पॉजिटिव आएगा 9 निगेटिव हैं तो ये क्या आएगा निगेटिव आएगा पॉजिटिव निगेटिव ये भी क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। 17 पॉजिटिव इंटीजर्स तो ये हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। 6 निगेटिव इंटीजर्स 6 इवन नंबर है निगेटिव इंटीजर्स हैं तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये लास्ट वाला क्या होगा पॉजिटिव होगा। ओके स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया
अच्छे से इसका आप लोग रिवीजन करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो भी क्वेश्चन होमवर्क में दिया जा रहा है सारे क्वेश्चंस को होमवर्क कॉपी पे सॉल्व करके उसको आप लोगों को ग्रुप में सेंड करना है, और जो भी क्वेश्चन हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करते हैं वे सारे क्वेश्चंस आप लोगों के CW कॉपी में प्रॉपर नीट एंड क्लीन होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का फ्रैक्शन है। अब आगे की वीडियो में इसको एक्सप्लेन करेंगे फ्रैक्शंस होते क्या हैं। ओके, थैंक यू।